हैं, ट्रेन में भी कार्ड खेले जा रहे हैं। हो भाई, झारखंड में तो ये भी है कि ट्रेन में मनोरंजन के लिए लोग कार्ड भी खेलने लगते हैं। तो मेरे सोलो ट्रैवल के दूसरे दिन मैं आ जाती हूँ धनबाद स्टेशन, और स्टेशन पहुँचते ही प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन भी लगी हुई थी। वाह भाई वाह। और स्टेशन पहुँचते तो भाई इतनी गर्मी थी ना कि 45 डिग्री गर्मी चल रही थी, और धूप से आने के बाद मैं सोच रही थी चलो पहले ट्रेन में बैठते हैं। तो फिर मैं ट्रेन में जाने लगी, यार बहुत गर्मी है, बहुत 45 समझ सकते हो। और इतने में जैसे मैं अपने सीट पे बैठती हूँ, मैं अपने ही बर्थ में देखती हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, इतने हल्ले क्यों चल रहे हैं और लोग कार्ड खेल रहे हैं, वो भी ट्रेन में। भाई फिर समझ में आया, झारखंड है, कुछ भी हो सकता है, और लोग ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मनोरंजन तो बनता है। और ये देखते देखते फिर मैं सामने देखने लगी कि आखिर ये खेलते कैसे हैं। और इतने में मेरी ट्रेन भी खुल जाती है और धनबाद स्टेशन को बाय कर देती है, और फिर मेरी ट्रेन कोलकाता के लिए रवाना हो जाती है। देखते ही देखते मेरी ट्रेन कुमारडोबी पहुंचती है, और इसमें से सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है, कि मैं बताती हूँ, कन्फर्म टिकट करने का नहीं, ऐसे करने का, स्टेशन पे आके एक कपड़ा किसी को दे देने का, उसके सीट पे रखा जाएगा, वो उसका कंफर्म से। और जैसे ही ये कंफर्म होता है, राजा महाराजा के जैसे जो इंसान ने अपने सीट को बुक कराया था, वो आराम से बैठ जाता है और कहता है कि भाई ये अब उनकी सीट। उसके बाद देखते देखते एक दादा ने दो बच्चे को अपने साथ ट्रेन में लाया। यार ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे दिन याद आ गए। काश मैं अभी भी छोटी होती, इन्हें देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा, क्योंकि इसके दादाजी सिर्फ एक स्टेशन के लिए इन्हें ट्रेन में घुमाने लाए थे। और सुनिए कि ये बच्चे क्या बोलते हैं। यार मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि इसकी बात इतनी क्यूट लग रही थी ना, कि ऐसा लग रहा था कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम भी इतने क्यूट बोला करते थे। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि काश आप अभी भी छोटे होते और आप अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़ के घूमने जाते, कि यार मुझे ऐसा ही लग रहा था ये छोटे छोटे बच्चे को देखकर। वाह, घोड़ा गाड़ी में घूमना है। अच्छा, मतलब ट्रेन के बाद फिर घोड़ा गाड़ी में घूमना है, मतलब नॉर्मल ट्रेन घूमने के लिए आए हो। ओहो, दूसरा स्टेशन आते ही बच्चे स्टेशन से उतर जाते हैं, और देखते देखते मैं आसनसोल भी पहुंच जाती हूं। और शाम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मुझे इतनी ज़ोर से नींद आती है कि फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता है, और मैं बहुत थक भी चुकी थी, और मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती हूं। और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं हावड़ा स्टेशन में 9:40 में पहुँच जाती हूँ। फाइनली कोलकाता पहुंच चुकी, यानी हावड़ा स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। ये मेरी ट्रेन थी, और अब मैं आपको थोड़ी सी हावड़ा दिखा देती हूँ कि हावड़ा स्टेशन कैसा लगता है। तो ऐसे हावड़ा स्टेशन है तो बहुत बड़ा, यार स्टेशन पे पहुंचते ही तो मुझे प्यास लग गई, तो फिर मैं बस स्टैंड के लिए निकलती हूँ और वहाँ पे जल्दी ही नींबू पानी ढूंढने लगती हूँ। फाइनली मुझे नींबू पानी मिल जाता है, और मैं भैया को बोलती हूँ, भैया जल्दी से एक ग्लास नींबू पानी बनाओ, और फिर फाइनली ग्लास मेरे हाथों में। यार प्यास तो इतनी ज़ोर से लगी हुई थी ना, वो भी ठंडे पानी की, मैं बता नहीं सकती है। फिर बस 44 ढूंढने के बाद फिर मैं बस में बैठ जाती हूँ। कोलकाता का बस ले चुकी हूँ, वो भी लोकल बस है। चलिए मैं आपको लोकल बस दिखाती हूँ कि कोलकाता का लोकल बस कैसा होता है। तो ये देख सकते हैं, ये है कोलकाता का लोकल बस। बहुत एयर कंडीशन होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सीट बहुत दूर दूर होती है, लोग सामने सामने नहीं बैठते, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, यहाँ पे देख सकते हैं। और इतने में ही मेरी बस खुल जाती है। फाइनली मैं अपने फ्रेंड के घर पहुँच जाती हूँ। और ये क्यूट क्यूट सी आवाज़ मेरे फ्रेंड की बच्चों की थी। तो अब मुझे नींद बहुत ज़ोर से आ रही है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।